हेलो फ्रेंड्स, मैं नूज उपासना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामर जो है वो इंग्लिश की जड़ है, तो हम ग्रामर पढ़ते हैं। तो हमने ग्रामर में इज़ैमार पढ़ लिया है और काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ लिया है, नाउन पढ़ लिया और प्रोनाउन पढ़ लिया। तो आज हम वॉज वर्ब के बारे में बात करेंगे। वॉज को हम था और थी के लिए यूज़ करते हैं और वर्ब को हम थे के लिए यूज़ करते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, जिससे हम वॉज वर्ब को पहचानते हैं कि यही वॉज वर्ब है। सो इट इज़ यूज टू स्टेट अबाउट, इसे हम यूज़ करते हैं एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, लोकेशन एंड सिचुएशन। हम किसी स्टेट, हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, लोकेशन और सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, वो भी पास्ट में। हम इस वर्ब को प्रेजेंट में यूज़ करते थे, लेकिन हम वॉज वर्ब को पास में यूज़ करते हैं। इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस, इसके जो हिंदी जो सेंटेंसेज होते हैं इसके उसके लास्ट में क्या आता है, था थी थे इसके लास्ट में आता है इसके सेंटेंसेस के, विल का। नोन एक्शन, जो वॉज वर्ब और इज़ैमार होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनमें कोई एक्शन नहीं होता है। मैं आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया कि इज़ैमार में एक्शन होता है नहीं होता है, तो उसके लिए सॉरी। स्ट्रक्चर्स, जैसे यहाँ जैसे फार्मूलाज होते हैं मैथ्स के, जैसे 2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6, तो ऐसे ये इंग्लिश के फार्मूलाज होते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम ही, शी, इट या कोई नाम या फिर आई, वी, यू, दे कहते हैं, और वॉज वर्ब में हम उस पर डिपेंड करते हुए कहते हैं। और ऑब्जेक्ट जैसे राम वॉज इन मार्केट, ये सेंटेंस है। तो इन मार्क जो है वो ऑब्जेक्ट है और वॉज वर्ब में हम वॉज लगाएंगे अगर राम है तो। I, we, I, he, she, it या फिर कोई नाम के साथ हम वॉज लगाते हैं, और यू, वी, दे के साथ हम वर्ब लगाते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम जैसे सीता, इस बार यहाँ पर लिख देते हैं हम सीता। सीता वॉज नॉट गुड गर्ल, तो इसमें जो हम नॉट लगाते हैं, इसमें हम जो है नॉट लगाते हैं किसी सेंटेंस में जिस जिसमें हम नॉट लगाते हैं उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हम जिसमें कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, इंटरोगेटिव में क्या है, जिसमें वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब हाँ या ना में आता है, उसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे कब, कहाँ, जैसे हम बाजार में थे, उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड, जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, क्या, उसको हम इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हम पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते थे, फिर वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। आई, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हम वॉज लगाते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। यू, वी, दे के साथ हम वर्ड लगाते हैं। मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। उदाहरण के लिए मैं घर पर था, आई वॉज एट होम, तो आई जो है वो सब्जेक्ट बन गया, वॉज जो है वॉज वर्ब में आ गया, और एट को हम ये सारे ऑब्जेक्ट ही है, ये सब्जेक्ट है, ये वॉज वर्ब। वॉज हमने इसलिए लिखा क्योंकि आई के साथ हम यहाँ पर वॉज लगाते हैं, और एट और एट होम हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट क्या, ये तो हो गया हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट नेगेटिव है, वह स्कूल में नहीं थी, तो मैं इसमें शी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि वह नहीं थी। शी वॉज नॉट इन स्कूल, वह स्कूल में नहीं थी, क्योंकि हमने शी के साथ वॉज लगा दिया है इसलिए हमने यहाँ भी वॉज लिखा है। नंबर थर्ड, क्या तुम पार्क में थे, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं, हाँ या ना में उसका जवाब आता है, तो उसे हम इंटरोगेटिव कहते हैं। और यहाँ पे लिखा है वर यू इन द पार्क, अगर यहाँ पर
कोई नाम होता या ही शी इट होता या फिर आई होता तो यहाँ पे हम वर्ड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे यू है इसलिए हम वर्ड लगाएंगे और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ड पहले आ गया, इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वे दिल्ली में कब थे? सो ये जो है क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर चीज़ पूछी गई है कि कब थे, टाइम बताओ कि कब थे। सो व्हेन वर दे इन दिल्ली, कि वो कब थे दिल्ली में। खैर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर इसमें इस वीडियो में से कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या मैंने मिस किया, क्या मेरी मिस्टेक थी, ताकि मैं अगली वीडियो अच्छी बना सकूँ। थैंक यू।